आज हम बात कर रहे हैं देवघर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। बहुत से व्यूवर का रिक्वेस्ट था कि एयरपोर्ट का न्यूज़ बताएं, तो आज हम आप लोगों को एयरपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। देवघर एयरपोर्ट के बारे में पहले भी कई बार बता चुके हैं, यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और देवघर में द्वादश ज्योतिर्लिंग होने के कारण इस एयरपोर्ट का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से इस एयरपोर्ट के नाम को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई और सभी राजनीतिक दल अपना अपना क्रेडिट लेने की भी खूब कोशिश की है। आपको बताते चले कि सरकार की ओर से नवंबर 2020 का डेडलाइन तय किया गया था, जब नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी देवघर आए हुए थे। तभी कहा गया था कि नवंबर 2020 तक कुछ फ्लाइट को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। इसके पीछे अधिकारियों की ओर से बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण लेट हुआ। हालांकि काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और काम बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पर है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, देवघर एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग जो है उसके साथ साथ पार्किंग का भी काम पूरा हो चुका है, और एयरपोर्ट का अप्रोच रोड का भी मामला अटका हुआ था, वो भी कम्प्लीट हो चुका है। सूत्रों की माने तो अप्रोच रोड का पैसा ज़मीन वाले को पहले ही मिल चुका है, लेकिन बाद में उस ज़मीन पर घर बना दिया गया। अब उस घर का पैसा मांगा जा रहा है, जिसको लेकर थोड़ी बहुत समस्या आ रही थी, लेकिन अब वह भी क्लियर हो चुका है और संभवतः अगस्त लास्ट या सितंबर में एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। यह वीडियो सबसे लेटेस्ट यानी आज का है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से टर्मिनल बिल्डिंग जो है वो बन के तैयार हो चुका है। ये पीछे का है आपका एयरपोर्ट का रनवे जो है वो आगे साइड है, और ये पीछे है, इधर से ही यात्री इन करेंगे और नीचे इनका पार्किंग रहेगा, और इसी से ये नीचे जो दिख रहा है ये पार्किंग का एरिया होगा, और ये आपका मेन साइड है। इधर कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, इधर एंट्री वही करेंगे जो एरोप्लेन पकड़ने आएंगे। ये आपका रनवे वाला एरिया है एयरपोर्ट का भीतरी हिस्सा। तो ये था एयरपोर्ट से रिलेटेड आज की जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दें।